बड़ा सांप नहीं है दोस्तों, ये कोबरा का भी बाप है, जिसे हट जाओ, पीछे रहो, पीछे रहो, सब पीछे हट जाओ, हट जाओ, दूर को हट जाओ ना। अंदाज नहीं है तो आप ऐसे काम को करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव बिकूपुर, ये शायद पासो क्षेत्र में लगता है दोस्तों, और यहां पर घनी आबादी जगह पर दोस्तों एक कोबरा सांप घुस के आया है। काफ़ी भीड़ यहां पर लोगों की लगी हुई है, और हो सकता है वहाँ मैं आगे कोई जानकारी ना दे पाऊँ क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा है, तो वो शायद जो भी हम बात कहेंगे उनको सुने या समझें इस चीज़ का कोई पता नहीं है। तो चलिए जो भी बात है मैं बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि अब बरसाती सीज़न है तो सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अपने घर में कोई भी लकड़ी कंडा ईंधन ऐसी चीज़ को समेट के नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों जब बाहर बरसात हो जाती है ज़्यादा तो वो सूखा ढूंढने के चक्कर में हमारे घरों में ऐसी चीज़ों में आकर छुप जाते हैं, और जब कभी हम उन्हें निकालते हैं तो वो कभी कभी हमारे हाथ या पैर में काट लेते हैं, क्योंकि क्षेत्र में से बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि आजकल सांप के काटे जाने पर बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं दोस्तों, और उसकी मेन वजह है बरसात। बरसात की वजह से ये सांप घरों में घुसाते हैं और घरों में हादसा होते रहते हैं। तो जब भी कभी कोई भी सामान, पुराना सामान हटाते हैं या कोई भी रखा हुआ सामान हम ऐसे ही अचानक से हाथ डालते हैं तो उसको पहले देख लें, जांच लें, ताकि उसमें कोई सांप करीला तो नहीं बैठा हुआ जिससे हमें कोई नुकसान हो। तो चलिए उस दिखाते हैं उस सांप के लिए। अगर किसी को सांप काटता है दोस्तों, एक और ख़ास बात है, अगर किसी को सांप काटता है तो कोई भी बाबा ओझा के चक्कर में ना पड़े, कोई भी ग्रामीण में जो लोग बैठे हुए होते हैं कि जो मैं सांप के काटे की दवाई देता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, ऐसे चक्करों में ना पड़ते हुए सीधे हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि दोस्तों वो लोग आपके लिए केवल बिना जहर वाले सांपों से बचा सकते हैं, ना कि जहरीले सांप से। जिस दिन कोबरा या करैत काटता है दोस्तों उसकी इंसान की मौत ही होती है, उसको ये लोग कभी नहीं बचा पाते हैं। तो देरी किए बिना, बिना समय ख़राब किए सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए, और वहाँ पर मेडिकल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जल्दी से जल्दी अपने पेशेंट को भर्ती कराना चाहिए। और दोस्तों वहाँ पर किसी भी तरह का आपका फालतू खर्चा नहीं होता है, सरकार ने अब जो भी ट्रीटमेंट है ये फ्री कर रखा है बिल्कुल, वहाँ आपसे कोई भी पैसा इलाज के नाम पर बेफिजूल के लिया नहीं जाएगा, वो सरकारी इलाज है। सरकारी हॉस्पिटल में जाएँ, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहीं जाएँ, वहाँ आपके पेशेंट के लिए जो है वेंटिलेटर की सुविधा भी जो है रहती है, कभी कभी पेशेंट ज़्यादा जो गंभीर हो जाता है तो वहाँ पर वेंटिलेटर पर लगाकर उसको एंटीवेनम द्वारा इलाज किया जाता है, तो वहाँ बचने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन बाबा ओझा के पास तो अगर जहरीले सांप ने काटा है तो मरना ही मरना है। तो चलिए उस सांप को देखते हैं और दिखाते हैं आपको, आइए। अच्छा, आराम से चमक रहा है। ए जहरीलो ना है, एक एक मिनट चुप है जाओ, एक मिनट चुप, सब चुप, एक एक मिनट के लिए शोर बंद कर लो सब लोग। तो दोस्तों चुप रहो, बाबा चुप। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता चला था कि यहाँ पर लोगों ने बताया था कि ये कोबरा सांप है, लेकिन ये कोबरा सांप नहीं है दोस्तों, ये कोबरा का भी बाप है, जिसे इंडियन कॉमन करैत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये हमारे देश का बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक सांप है, जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं। इस सांप से तो दोस्तों और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। चुप रहो, चुप रहो।
तो दोस्तों कभी कभी ये सांप बहुत ज़्यादा शांत होता है, क्योंकि दिन में ये बहुत ही ज़्यादा नींद में सोया हुआ होता है। ये दिन में बहुत ज़्यादा बहुत ही कम एक्टिव होता है दोस्तों, रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर रात का अंधेरा होता तो ये हमें अपने नज़दीक इतनी आसानी से ईंटों को हटाने नहीं देता दोस्तों। हल्की सी ही आवाज़ या आहट सुनते ही ये इसमें से निकल के कहीं दूसरी जगह भाग चुका होता। तो चलिए इसको कैच करते हैं और इस सांप के बारे में फिर से बताना चाहूँगा। ये हमारे देश का बहुत ही खतरनाक और जहरीला सांप है दोस्तों। कोबरा से भी 7 से 8 गुना ज़्यादा जहरीला सांप है। कोबरा से काटे हुए पेशेंट को बहुत ज़्यादा समय मिलता है दोस्तों, इसके काटे हुए पेशेंट को बहुत ही कम समय मिलता है। बहुत ही जल्दी इसके काटे जाने पर इंसान की मौत हो जाती है। तो इस सांप की आप पहचान कर लीजिए, ये बहुत ही खतरनाक सांप है दोस्तों। भारत का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप है ये, आप पहचान कर लीजिए दोस्तों इस चीज़ की। हट जाओ, पीछे रहो, पीछे रहो, सब पीछे हट जाओ, हट जाओ, दूर को हट जाओ ना, दूर को हट जाओ। ना ये फनिया सांप नहीं है, उससे 7 गुना ज्यादा जहरीलो है। हाँ ये बहुत ही, इसको काटा हुआ इंसान बड़ी मुश्किल से बचा तो है। जिसको नसीब अच्छा होता है वही बच पाता है इसके काटे जाने पे। और ये दिन में कम रात में ज़्यादा निकलता है गांव के अंदर। अच्छा? हाँ हाँ, और चुपके से आपकी चारपाई, बेड, बिस्तर ऐसी जगह पे घुस के बैठ जाता है और ये इंसान को काट लेता है। हट जाओ, हट जाओ, कैमरामैन पास आकर के फिर से लोगों को इसकी पहचान करा दीजिए। ये कोबरा की तरह दिखने वाला सांप कोबरा नहीं है दोस्तों। इसकी खास पहचान मैं आपको बता दूं, ब्लैक कलर का होता है, इसके ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट होते हैं। इसकी खास पहचान है कि ये एक इंडियन कॉमन करेस सांप है दोस्तों। इसके मुँह को छोड़कर करीब 1 मील दूर से इसकी पीठ पर जो है ये सफ़ेद स्पॉट बने हुए होते हैं। ये इसकी खास पहचान है कि ये इंडियन कॉमन करेट है और ये हमारे देश का बहुत ही जहरीला सांप है दोस्तों। दोस्तों ऐसा सांप अगर किसी को काटता है तो बिना टाइम गवाए सीधा जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आपको जाना है। कोई भी 1 सेकंड के लिए आपको वक्त नहीं गंवाना। और ये पता नहीं इसमें क्यों जाना नहीं चाह रहा है। दोस्तों यूं तो इस सांप को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये जो है इसको हाथ लगाना मजबूरी हो जाती है। हर ट्रिक इस पे हमने अपनी आजमा ली और ये जो है इसके अंदर नहीं गया है। तो चलिए इसके लिए अब हमें एक गलत तरीके से ही पकड़ के इस डब्बे में पैक करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा आप कभी भी करने की कोशिश ना करें। अगर आपको अपने काम का पुराना अनुभव या अंदाज नहीं है तो आप ऐसे काम को करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें दोस्तों। इसमें कभी भी आपके लिए खतरा हो सकता है। दोस्तों ऐसा काम करते वक्त सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, लेकिन हमें पुराना थोड़ा एक्सपीरियंस है तो उसके भरोसे हम इस काम को कर रहे हैं। लेकिन आप नकल करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो इसको डब्बे में कर लिया है पैक और ले चलते हैं एक ऐसे जंगल में जहाँ ये अपनी क्रिया को जारी रख सके, क्योंकि दोस्तों ये खतरनाक तो है लेकिन हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है दोस्तों। इसका होना पर्यावरण में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे खतरनाक और जहरीले दोस्तों ऐसे खतरनाक और जहरीले सांपों से इसमें पर्यावरण में बहुत सारी बीमारियां कम रहती हैं।
अगर ऐसे सांपों की जहां भी कमी हो जाती है तो वहां काफ़ी गंभीर रूप की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो बीमारियों से बचने के लिए सभी जीव जंतु का होना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है दोस्तों। तो इनको मारें ना, इनको इनकी सही जगह पर पहुँचाएँ, जो भी इनके घर है जंगल में इनको इनके घर तक पहुंचाने की कोशिश करें दोस्तों, इनको बेवजह मारे नहीं। तो चलिए चलते हैं और गांव वाले से पूछते हैं कि हमारा काम कैसा लगा, कितनी देर में हम यहां पर आ गए हैं। तो कौन है कोई बताएगा कि हम कितने टाइम में यहां पर आए हैं, कितना आपको इंतजार कराया है? दोस्तों आधे घंटे में करीब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे हमारे पास कॉल गई तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं और इसी तरह से हम अपनी सेवा को हर वक्त जारी रखना चाहते हैं। कभी कभी टाइम लग जाता है दोस्तों, जब हम कहीं दूसरी जगह फंसे हुए होते हैं, कहीं दूसरी जगह रेस्क्यू कर रहे होते हैं, तो तब टाइम लग जाता है। कुछ लोग इस बात को लेकर के गुस्सा होते हैं कि हमने कॉल किया, हमारे यहाँ टाइम से नहीं आए। दोस्तों वो एक मजबूरी होती है हमारी और उसको समझने की आप कोशिश किया करें। ये ना सोचें कि आपने कॉल किया और आपसे हमारी कोई दुश्मनी है और हम आपके यहाँ हम टाइम से नहीं आ पाए। दोस्तों उसमें कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तब हम टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं, वरना हर वक्त हम टाइम से पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा काम? सही लगा, सही लगा, सही लगा। ये बोल कोई बात नहीं, अच्छा लगा, कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा। चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय दोस्तों। चलो ठीक है भैया, ठीक है। हाँ भाई, तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने जो सांप पकड़ा था गांव बिकूपुर से, इंडियन कॉमन करैत, दोस्तों भीड़ ज़्यादा होने के कारण लोग जो हमने अभी स्पीच दी थी उसको लोग समझने की और सुनने की कोशिश कम करते हैं। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सांप है जो अभी हमने पकड़ा है, इंडियन कॉमन करैत, बहुत ही जहरीला सांप है हमारे देश का। अगर ऐसा सांप किसी को काटता है तो बिना किसी बाबा ओझा के चक्कर में पड़े सीधा हॉस्पिटल जाइए और जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों इस सांप के काटे जाने पर इलाज के लिए बहुत ही कम समय मिलता है, 40 से 45 मिनट में अगर इंसान हॉस्पिटल पहुंच जाता है दोस्तों, तो उसके लिए नॉर्मली बचाया जा सकता है। अगर दोस्तों इससे ऊपर समय होता है तो इंसान कोमा में पहुँच जाता है और कोमा में पहुंचने के बाद में बहुत ही कम उम्मीद इंसान के ठीक होने की बचती है। तो याद रहे, अगर ऐसा सांप किसी को काटे तो जल्दी से जल्दी चाहे कार से या बाइक से उसको बैठा कर एक मिनट गवाए बिना हॉस्पिटल की तरफ दौड़ना चाहिए दोस्तों, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाना है दोस्तों। जो ज़िले पर जो हॉस्पिटल होता है, बड़ा हॉस्पिटल, वहीं एंटी वेनम की सुविधा मिलती है और वेंटिलेटर की सुविधा मिलती है, वहीं आपके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर इसके अलावा आप कोई छोटे मोटे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं तो दोस्तों फिर भी आप गलती करते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने की बजाय सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाइए दोस्तों, वहाँ पर एक्सीडेंट और सांप के काटे हुए पेशेंट को बहुत जल्दी से भर्ती करते हैं और बिना समय गंवाए ट्रीटमेंट शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप चक्कर में ना रहिए और ये भी मत सोचिए कि हॉस्पिटल में टाइम लगेगा या आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा या वहाँ पर आपके पेशेंट के साथ लापरवाही की जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा दोस्तों। अब इस टाइम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो है सख्त आदेश हैं दोस्तों, और उन्होंने बड़ा ही जोर देकर के और सांप के काटे हुए पेशेंट के लिए बचाने के लिए एक मुहिम चलाई है दोस्तों। इसके लिए खास ट्रीटमेंट की व्यवस्था जो है की गई है, जो पुरानी व्यवस्थाएँ थी उनमें थोड़ा सुधार किया गया है कि इस तरह से पेशेंट जो आते हैं उनके साथ देरी ना हो और उनकी मौत ना हो दोस्तों। ऐसी मौतों को रोकने के लिए सरकार ने भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था जो है की है, तो इनको जो है ध्यान में रखते हुए आप बिना समय गंवाए किसी भी टंट घंट के चक्कर में ना पड़ते हुए हॉस्पिटल ही जाएं। चलिए इसको आज़ाद करते हैं, इसका हमारे पर्यावरण में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर कर लोग इनको बेवजह मार देते हैं दोस्तों, तो ये भी बहुत गलत बात है। और दोस्तों सबसे बड़ा मजाक हमारे साथ यही भी होता है कि लोग हमें बुला तो लेते हैं लेकिन हमारे आने तक का पूरा इंतजार नहीं करते। जैसे ही जरा सी भी देर किसी कारणवश हमें हो जाती है तो लोग फिर बिना सोचे समझे इनमें लाठी मारकर इनकी जान ले लेते हैं। ऐसा 3-4 दिन से मेरे साथ कई बार हो चुका है, 3-4 दिन में इतनी बार ऐसा हादसा हो चुका है कि मैंने कई सांपों की मौत देखी है। अब मैं उन लोगों को क्या कहूँ, उनसे क्या बोलूँ, बहुत ही गुस्सा आता है कि लोग हमें बुलाते भी हैं, हमें रात में जग करके जागना भागना पड़ता है दोस्तों, पेट्रोल भी खर्च होता है और लोग हमारे इस तरह को जो है ऐसे ही मजाक में ले लेते हैं और हमारे बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि हमने इतनी दूर से बुलाया, चलो आ जाने दें उनको। और देखिए इसने मेंढक खाया हुआ था, मेंढक को इसने उगल दिया है।
तो दोस्तों इसने मेंढक खाया हुआ था और मेंढक को इसने उगल दिया है। देखिए ये बहुत ही खतरनाक सांप है हमारे देश का, और इससे आप सावधान और इसकी पहचान कर लीजिए दोस्तों। और इसकी जो भी हिस्ट्री आप गूगल पर निकाल के पढ़ सकते हो, इसके बारे में जानकारी खुद भी रख सकते हो और दूसरों को भी दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको इन चीज़ों की पता नहीं होती है। तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपका फ़र्ज है कि समाज में अच्छी बातें शेयर करें, इनके बारे में हिस्ट्री पढ़कर और अनजान लोगों के लिए बताएं कि भाई ये सांप खतरनाक है, इससे हमें सावधान रहना है। और जो जीव खतरनाक नहीं है उनके बारे में भी बताएं कि ये जीव खतरनाक नहीं होता है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको बेवजह मारने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज का सफ़र ख़त्म हुआ और फिर मिलते हैं किसी अगले रेस्क्यू पर। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं और इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकूँ और जीव जंतुओं को बचाया जा सके दोस्तों इसी मुहिम के द्वारा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और ज़्यादा लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं और मैं ज़्यादा जगह जाने में और जीवों को बचाने में सक्षम रहता हूँ। तो आपका शेयर करना इस वीडियो के लिए बेहद ज़रूरी है दोस्तों। बाय।